अपनी पत्नी यानी कि अपनी वाइफ से 10,000 रुपए मांगे थे। आज इस कंपनी को इतना बड़ा बनाया है। ट्रीट योर पीपल गुड बट योर बेस्ट बेटर, ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है नारायण मूर्ति का। हेलो एंड वेलकम टू फ्रीडम हिंदी यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है रिया। और आज जब मैं नारायण मूर्ति के बारे में स्टडी कर रही थी, रिसर्च कर रही थी, तो उससे मुझे कुछ लेसन्स मिले उनकी लाइफ और उनकी करियर से। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू एक्सप्लेन यू, क्यों ना मैं आप सबको बताऊं वो सारी बातें, क्योंकि ये आपके बिजनेस और आपके लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लेसन है, यू माइट फेल बट यू गेट स्टार्टेड। जानकारी के लिए बता दूं कि नारायण मूर्ति की पहली कंपनी इन्फोसिस नहीं थी, उन्होंने सॉफ्ट्रॉनिक्स नामक कंपनी को फॉर्म किया था जो कि मात्र 1 से 1.5 साल तक सस्टेन कर पाई। उसके बाद उस कंपनी को बंद करना पड़ा, लेकिन उन्होंने शुरुआत की थी, उन्हें उससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली और शायद इसलिए उन्होंने इन्फोसिस को बिल्ड करने में सफलता हासिल की। अगला लेसन है, सीज योर गांधी मोमेंट। उन्होंने बताया था कि मिड 70s में एक बार बुल्गारिया में 72 घंटों के लिए वो जेल में बंद रहे थे आउट ऑफ पॉवर्टी। तभी उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर आपको पॉवर्टी को हटाना है तो जॉब क्रिएट करना और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करना ही एक जरिया है। अगला लेसन है, अगली सीख है, आप बड़ा सोचें बट किसी छोटी चीज़ की शुरुआत करने के लिए आप घबराएं नहीं, हेजिटेट ना करें। थिंक बिग बट डोंट हेजिटेट टू स्टार्ट स्मॉल। अब ये बात है 1981 की, जब उन्होंने इन्फोसिस कंपनी को फॉर्म करने के लिए अपनी पत्नी यानी कि अपनी वाइफ से 10,000 रुपए मांगे थे। और इतनी छोटी से शुरुआत कर उन्होंने आज इस कंपनी को इतना बड़ा बनाया है। उन्होंने एक बार भी हिचकिचाया नहीं अपनी वाइफ से पैसे लेने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो इससे ज़्यादा कर सकते हैं। वो बड़ा सोच रहे थे और उन्होंने बड़ा ही किया। अगली जो सीख मैंने ली है और लिखा है वो है, कट योरसेल्फ अ स्लाइस नॉट अ लार्ज वन ऑलवेज। ये उस वक्त की बात है जब इन्होंने अपनी सैलरी में पे कट किया था और अपने को फाउंडर्स को 10% का इंक्रीमेंट दिया था, यानी कि इनके जो को फाउंडर्स थे उनकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट उन्हें मिला था। तो कभी कभी अपने आप को थोड़ा कॉर्नर करना पड़ता है, थोड़े अपने स्लाइस को काटने पड़ते हैं। अगली यानी कि पांचवी सीख जो मैंने पाई है वो है, ओन अप एंड देन क्लीन अप। 80s में इन्फोसिस ने एक जर्मन क्लाइंट के लिए एक ऐप डेवलप किया था। उस वक्त जो है नारायण मूर्ति ने देखा कि एक सिंगल सा कैरेक्टर एरर है, उन्होंने इसे तुरंत ही स्टॉप किया वहीं पर और उसके बाद जो क्लाइंट है उसको इमिडिएटली इन्फॉर्म किया और उसको सुधारने के लिए अपनी प्रोसेस को स्टार्ट किया। यानी कि आपको जो है अपनी चीज़ों का ओनरशिप लेना पड़ता है, यानी कि ओन अप एंड देन जो भी मेस हुआ है उसको आप खुद ही क्लीन करो, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। अगली सीख है कि भगवान पर भरोसा रखें बट अपने डेटा को भी वेरीफाई करें। एक और लेसन जो मैंने नारायण मूर्ति के करियर से लिया वो है, कीप द फेथ। उन्होंने अपने फाउंडर्स को अपने शेयर्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए थे, दैट इज़ अ बिग थिंग और इससे हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है। नेक्स्ट जो सीख है वो है, शेयरिंग इज केयरिंग। और मैंने शेयर की बात की है तो एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। तो जब इन्फोसिस ने IPO को रिलीज़ किया था तो इनकी इक्विटी का कुछ पोजिशन जो है, कुछ पार्ट जो है, इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर कर दिया था और वो कि जो कि वर्थ 50,000 करोड़ समथिंग का था। ऐसी बातें उन्होंने की है, ऐसी चीज़ें उन्होंने अपनी कंपनी में की है, तो इससे हमें समझ आता है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगला जो लेसन है वो है, ट्रीट योर पीपल गुड बट योर बेस्ट बेटर। इससे आपको कुछ समझ आया? दरअसल इन्होंने अपनी कंपनीज में सबको हाइक दी थी, लेकिन इन्होंने अपने बेस्ट परफॉर्मर को एक्स्ट्रा हाइक दी थी, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दिया था। इन्होंने कहा था कि चेयरमैन्स कोटा से जितने भी शेयर्स हैं एक्स्ट्रा, वो गुड परफॉर्मेंस को दे दिए जाए। तो इस तरह से इन्होंने अपनी चीज़ों को सैक्रिफाइस कर अपने बेस्ट लोगों को सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दिया है। एक और बहुत ही फनी लगा मुझे ये लेसन, बट काफ़ी अच्छा है, वो था कि हायर अ गुड अकाउंटेंट इवन इफ़ ही इज़ आर्ग्यूमेंटेटिव, यानी कि अगर वो गुस्सैल भी है तब भी एक आप अच्छे CA को हायर करो
और उन्होंने बताया था एक इंसिडेंट कि मीटिंग चल रही थी एक कंपनी की, जिसमें एक यंग मैन जिनका नाम मोहनदास पाई था, उन्होंने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स किए थे, बहुत सारे सवाल जवाब किए थे, और इससे नारायण मूर्ति इरिटेट नहीं हुए थे, इससे वो इम्प्रेस हुए थे और उन्होंने मोहनदास पाई को हायर कर लिया था। दिस इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट दिस। अगर आपको एक अच्छा अकाउंटेंट सीए चाहिए, चाहे वो आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो, गुस्सैल भी हो, तब भी आप उन्हें हायर करें, क्योंकि वो आपकी कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। वेल, इसी के साथ आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में मैंने आपको 10 लेसन्स बताए हैं जो कि नारायण मूर्ति के करियर और लाइफ से रिलेटेड हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। तो अगर आप किसी भी बिजनेस में हैं या फिर नॉर्मल लाइफ में भी, अगर आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी होती है कि अगर आप कभी फ्यूचर में बिजनेस करें या फिर कहीं भी वर्क प्लेस पर रहें तो कैसे क्या कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके अलावा हमारे पास और भी चैनल्स हैं फाइनेंस, बिजनेस और फार्मिंग को रिलेटेड, तो आप उन सभी चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।